हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश वन विभाग की एक नई भर्ती के ऊपर। दोस्तों, इसकी एक नई भर्ती निकली हुई है और अच्छी बात यह है इसके फॉर्म भी पढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों अच्छे खासे पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ वैकेंसी निकाली गई है, तो संपूर्ण जानकारी देंगे कौन कौन लोग फार्म को भर सकते हैं, कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे और कौन सी वेबसाइट से फार्म को फिलअप करना है। संपूर्ण जानकारी देंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लगा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर विभाग नई भर्ती 2024 आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी देख लीजिए अप्लाई लास्ट डेट इसकी दोस्तों 2/3/2024 इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले पहले आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट से भरना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभाग उत्तर प्रदेश वन विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। पद की बात करें तो दोस्तों स्केलर पद के पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। योग्यता आपने सिंपल 12th पास किया है, आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपने सिंपल 12th पास किया हो और दोस्तों अगर आपको ये सच नहीं लगता तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं ना कि ये फेक है, तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज की बात करें 18 से 30 साल के सभी कैंडिडेट इसमें फार्म को फिलअप कर सकते हैं। एज में छूट भी देखने को मिल जाएगी, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी और दोस्तों आप एससी एसटी से हैं तो आपको एज में 5 साल की यहां पर छूट देखने को मिल जाएगी। फॉर्म अप्लाई ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फार्म भर सकते हैं, आप इंडिया के कहीं के भी मूल निवासी हैं आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिक्त की प्रकार थर्ड पार्टी। अब दोस्तों आपको मैं ये बता दूँ ये थर्ड पार्टी क्या होता है। दोस्तों पहले ये विभाग परमानेंट बेसिस पर रखता था, लेकिन दोस्तों ये काम हमारे योगी सरकार ने इसे थर्ड पार्टी में डाल दिया, यानी दोस्तों इस विभाग को यहाँ पर संविदा के बेस पर रखा है। संविदा यानी किसी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया है। तो दोस्तों काफ़ी विभाग जो सरकार परमानेंट बेसिस वाले प्राइवेट करता जा रहा है, तो दोस्तों ये हमारे योगी सरकार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। दोस्तों उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस विभाग को प्राइवेट सेक्टर में लाए, सरकारी विभाग को प्राइवेट सेक्टर में लाए। तो दोस्तों आप लोग क्या बोलना चाहेंगे आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों ये अच्छा है या गलत है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, संस्थान वन विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सैलरी जब आप कोई परमानेंट बेसिस पर थी, सरकारी थी, तो दोस्तों को सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 19,900 से 30,000 रुपये प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। ये दोस्तों इसकी सैलरी रहेगी। आप लोग यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि दोस्तों इस विभाग को जो संविदा के बेसिस पर इन्होंने रखा ये अच्छा है या गलत है, आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट दोस्तों यहाँ पर 100 निकले हुए हैं। 100 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के कहीं के भी मूल निवासी हैं आप फार्म को भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के भी मूल निवासी हैं तब भी आप फार्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 100 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस भी देख लीजिए। 9 एग्जाम सीधी भर्ती, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। और जॉब प्रोफाइल देखिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में ही आपको जॉब मिलेगी, आप जहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के दोस्तों 75 जिलों में एक साथ वैकेंसी निकली हुई है। आप यहां पर लिस्ट देख लीजिए, जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर, ललितपुर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बस्ती, बहराइच, बदायूं, आगरा, मथुरा, इटामनपुरी, इटावा, ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जिलों में एक साथ वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म कैसे अप्लाई करें, दोस्तों ये आपके मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि फॉर्म को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसमें दोस्तों आपको लिखना है sevayojan.up.gov.in, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने जो वेबसाइट खुलेगी उस वेबसाइट पर आपको एक बार क्लिक कर देना है और दोस्तों उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपको मिलेगा जॉब सीकर वाला ऑप्शन, ऐसा दोस्तों गोल में जॉब सीकर्स में लिखा होगा, तो दोस्तों आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर दोस्तों इसी के नीचे एक आएगा साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन, आपको उस पर क्लिक करना है और उसमें दोस्तों आपको अपनी बेसिक सी डिटेल को फिलअप करना है, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, ये सारी जानकारी को वहां पर फिलअप करना है। बस आपको ये फिलअप करने के बाद आपका यहाँ पर डैशबोर्ड बन जाएगा, उस डैशबोर्ड में आपको 9 स्टेप में अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होता है।
जैसे शारीरिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, कौशल विकास, अनुभव, वरीयता, ये सारी जानकारी को वहां पर फिलअप करना है। जैसे आप सारी जानकारी को वहां पर फिलअप कर देते हैं, आपका यहां पर डैशबोर्ड पूरी तरीके से बन जाता है। फिर दोस्तों आवेदन करने के लिए वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें, उस पर आपको एक बार क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद वहीं पर 10th level, 12th level, ग्रेजुएशन लेवल सभी की वैकेंसियां दिख जाती हैं। बस आपको आवेदन करने वाले सेक्शन पर क्लिक करना होता है, आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।